सीमा हैदर की एक गलती ने कर दिया खेल खत्म। एक झूठ और एटीएस के सिकंजे में फंस गई सीमा हैदर। अब गिरफ्तारी की लटकी तलवार। सचिन से मोहब्बत नहीं, इस काम के लिए हिंदुस्तान आई थी सीमा हैदर। एटीएस की पूछताछ में कर दिया बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान की बहू बनकर, सचिन की प्रेमिका बनकर सीमा हैदर ने खूब सुर्खियां बटोरी। आए दिन मीडिया की कैमरे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सीमा हैदर को दिखाने में व्यस्त थे। सीमा हैदर ने भी किसी को निराश नहीं किया। जिसने जो पूछा उसके खटाखट जवाब देती रही। हर किसी को लगा कि मानो सीमा हैदर जो कह रही है वही सच है, यानी वो सचिन के प्यार में पागल होकर हिंदुस्तान आई है। लेकिन दिमाग बार बार ये कह रहा था कि दरअसल जितनी आसान ये कहानी दिख रही है उतनी है नहीं। सीमा हैदर जितना मीडिया के कैमरों के सामने आ रही थी दरअसल उतना ही एक्सपोज हो रही थी। लेकिन ना तो उसे इसकी खबर थी और ना ही उसके प्रेमी को इसकी भनक। दोनों तो मीडिया की प्रोफाइल बनकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सीमा हैदर की एक एक कदम को वाच कर रही थी, एक एक बयान को क्रॉस चेक कर रही थी। और बस एक गलती और सीमा का खेल खत्म हो गया। सीमा हैदर कैसे एटीएस के सिकंजे में फंस गई, आपको पूरी कहानी बताते हैं। और सीमा हैदर की वो गलती भी आपको बताते हैं जिसने उसे दोबारा सलाखों के करीब पहुंचा दिया। चंद दिनों में ही जेल से जमानत मिलने के बाद सीमा हैदर और सचिन जैसे ही वापस घर लौटे मीडिया ने उन्हें घेर लिया। एक एक करके सीमा हैदर का इंटरव्यू होने लगा। सीमा हैदर भी पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक की एक एक रटी रटाई कहानी बताने लगी। उसके परिवार के बारे में जब भी सवाल पूछा गया उसने उस सवाल को बड़ी खूबसूरती के साथ टाल दिया। लेकिन दरअसल यहीं पर सीमा हैदर सबसे बड़ी गलती कर गई, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के रबूपुर में लगातार एटीएस और इंटेलिजेंस की सादी वर्दी में टीमें सीमा हैदर को ट्रैक कर रही थी। उसकी एक एक जानकारियां आईबी जुटाने में लगा था कि तभी आईबी के हाथों एक बड़ा सुराग लगा। उसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी, पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल सीमा हैदर ने जो सबसे बड़ा झूठ पुलिस से लेकर हर किसी से बोला था वो ये था कि उसके परिवार का किसी का भी ताल्लुक पाकिस्तान सेना या आईएसआई से नहीं। लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सीमा हैदर के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तानी फौज में सूबेदार है और भाई पाकिस्तानी सेना में सिपाही। बस यहीं से सीमा हैदर का पूरा भेद खुल गया। आईबी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि दरअसल सीमा हैदर आईएसआई की ट्रेन स्पाई एजेंट है, जिसको बाकायदा पूरी ट्रेनिंग के बाद हिंदुस्तान भेजा गया है। लेकिन अभी भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बहुत सारी सच्चाई उगलवानी है। यही वजह है कि अचानक एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और उसके पिता को उठा लिया और हिरासत में लेकर 8 घंटे पूछताछ की। एटीएस के सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर से कई बड़े और जरूरी सवालात किए गए। मसलन वो कौन मददगार था जिसने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते उसे हिंदुस्तान पहुंचाया? उसने पुलिस से राज क्यों छुपाया? उसका भाई और चाचा पाकिस्तान में है। सीमा हैदर ने एक सच्चाई और छुपाई, यही कि सीमा हैदर का हिंदुस्तान में कोई और ऐसा है जिससे वो सचिन से ज्यादा जानती है। वो शख्स कौन है एटीएस उसके बारे में जानकारी जुटाने में लगा है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सीमा हैदर की आस्की का भेद खुल चुका है। दरअसल हिंदुस्तान आस्की के लिए नहीं बल्कि अय्यारी के लिए आई थी सीमा हैदर। लोग कहते हैं कि झूठ बहुत लंबा नहीं चलता और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिरकार सीमा हैदर की सारी स्मार्टनेस निकल गई। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।